हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं स्टफ इडली। इसके लिए हमने लिया है फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, हाफ लेमन, 3 गार्लिक पॉड्स, एक छोटा पीस जिंजर, हाफ कोकोनट चॉप किया हुआ एंड ग्रीन चिलीज। अब एक छोटे मिक्सी जार में हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक एक करके डाल लेंगे। अब हम इसमें नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और हाफ लेमन स्क्वीज कर लेंगे और साथ ही में थोड़ा सा शुगर डालेंगे। शुगर से इसका टेस्ट और इन्हांस होगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर भी आप इसे अच्छे से ग्राइंड कर लें। अब आप चटनी को अच्छे से मिक्स कर लें और मेक श्योर करें कि चटनी थिक रहे। कोरिएंडर कोकोनट चटनी अब रेडी है स्टफिंग के लिए। इडली बैटर को थोड़ा थिक रखें और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालकर इसे अच्छे से मिक्स करें। इडली के सांचे में घी लगाकर अच्छे से स्प्रेड कर लें। अब आप करीब एक चम्मच बैटर को सांचे में डालें और ऐसे सारे सांचों के लिए करें। अब आप इसमें एक चम्मच ये चटनी डालें और इसे बिल्कुल भी मिक्स ना करें। इसी के ऊपर आप दोबारा बैटर डाल लें, इडली बैटर डाल लें और इसे अच्छे से ढक लें। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से चटनी को अंदर इसमें ढक लिया है। अब इडली कुकर में थोड़ा सा पानी डालकर ये सांचों को रखें और करीब 10 से 15 मिनट इसे स्टीम होने दें। ग्लास में पानी भरकर नाइफ रखें। इडली को नाइफ की हेल्प से हल्के हाथ से निकालना शुरू करें। स्टफ इडली रेडी है। आप इसे बीच से कट करके सर्व करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।